संत रविदास समिति के चुनाव होना था, जिसकी प्रक्रिया कई दिनों से चल रही थी। समाज के लोगों ने आज जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा और उसमें यह कहा गया कि एक और स्कूल, कॉलेज, लॉन, अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संत रविदास समाज के चुनाव में शासन ने हस्तक्षेप करके रद्द कर दिया गया और यह कहा गया कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है, जिसके चलते समाज के लोगों में काफी रोष है और कहा कि मध्य प्रदेश सरकार भेदभाव कर रही है। विगत एक महीने से चुनावी बिगुल बजाया गया, विभिन्न प्रकार के आयोजन जो सामाजिक चुनाव के लिए होते हैं वही सब किए गए। हमारे को चुनाव के चिन्ह भी प्राप्त किए गए। प्रचार प्रसार पूरे जिले में घर घर पहुंच चुका है, गांव कस्बों तक, और आज चुनावी प्रचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इसी बीच प्रशासन ने हस्तक्षेप करते हुए कहीं ना कहीं हमारे दलित समुदाय के ऊपर एक प्रहार किया। जैसा कि प्रशासन ने हमें अवगत कराया कि कोरोना गाइडलाइन के देखते हुए चुनाव नहीं कराए जा सकते, मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, क्या रविदास समाज की बात आई तब प्रशासन को होश आया कि जिले में कोरोना चल रहा है? जब हाट बाजार और विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे तब प्रशासन होश में नहीं आया कि चुनाव ये सब नहीं हो सकते? अभी विगत समय कोला ग्राउंड में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ इतनी बड़ी संख्या में, तब प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन जारी क्यों नहीं की? इतने सारे प्रोग्राम चल रहे, स्कूल खुल रहे, कॉलेज खुल रहे, हाट बाजार खुल रहे, मार्केट खुले, मॉल खुले, सिनेमा हॉल, जादूगर चल रहा है। BCN न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शुक्रवार की रिपोर्ट।